नया राष्ट्रपति भवन बना था तो उसका बॉयकॉट किया था जी, और जेडीयू का कोई नेता शामिल नहीं हुआ था, और हरिवंश शामिल हुए थे तो उसको लेकर जेडीयू के नेताओं ने हमला भी किया था। इस बार G20 की बैठक को लेकर जेडीयू के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। G20 समिट में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद बिहार के लिए हजारों करोड़ का पिटारा खोल दिए हैं। इसके कई सियासी संकेत और मायने माने जा रहे हैं और अलग अलग खबरें हो रही है कि नीतीश कुमार 2024 में किधर रहेंगे और आते ही जो बैठक करने लगे हैं उन तमाम बातों को लेकर अभी हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं। सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है G20 समिट के दौरान वहाँ दिल्ली में, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने नया राष्ट्रपति भवन बना था तो उसका बॉयकॉट किया था जी, और जेडीयू का कोई नेता शामिल नहीं हुआ था, और हरिवंश शामिल हुए थे तो उसको लेकर जेडीयू के नेताओं ने हमला भी किया था। इस बार G20 की बैठक को लेकर जेडीयू के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। जेडीयू इसे बकवास बता रहा था, लेकिन नीतीश कुमार G20 के भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने भोज का आयोजन किया था, उसमें देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। कांग्रेसी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार गए, शामिल हुए और 4 घंटे उस भोज में रहे। नीतीश कुमार सबसे मिले। नीतीश कुमार को 20 मिनट का ज़्यादा अलग से समय दिया PM ने जी। मोदी ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी, वहाँ तो देश के कई मुख्यमंत्री जुटे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी? PM ने, नीतीश कुमार को। बाइडेन से मुलाकात कराते हैं, राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से परिचय कराया, उनसे मुलाकात कराई और उस तस्वीर को शेयर किया इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट से, अपने अकाउंट से शेयर किया। मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत दिया और चोरी छुपे नहीं दिया, खुलेआम मैसेज भी दिया कि हम अभी भी ज़्यादा नीतीश को अहमियत दे रहे हैं, नीतीश से कोई नाराजगी नहीं। तो PM को जो मैसेज देना था उन्होंने दे दिया। दूसरा तो आपको पता ही है जी, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए हजारों करोड़ रुपया देना, और भी छुट्टी के दिन। बिल्कुल, 1900 करोड़ से ज़्यादा की रकम रिलीज हो गई। रविवार का दिन था, लेकिन नीतीश कुमार PM से मिले तो इस मुलाकात के बाद रविवार यानी छुट्टी के दिन भी बिहार सरकार को 2000 करोड़ का फंड रिलीज हो गया। तो PM ने तो साफ संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार उनकी पसंद है, गैर नहीं, नीतीश कुमार को प्यार करते हैं, नीतीश कुमार को साथ रखना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार तो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, विपक्ष की एकता की शुरुआत पटना से ही उन्होंने की थी, लेकिन यह सच है कि धीरे धीरे स्टीयरिंग सीट पर अब कांग्रेस बैठ गई है। लालू यादव जो और उनकी पार्टी नीतीश कुमार को PM दावेदार बताती रही है शुरू से, लेकिन अब तो एक बार भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नहीं कहा कि भाई PM पद के दावेदार हैं, बैठक में कभी नहीं उठाया। और संयोजक भी नहीं बनाया गया नीतीश कुमार को, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को और लालू यादव को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। और जब PM पद के दावेदार ही नहीं रहे, संयोजक बने ही नहीं, तो उधर जाने का क्या फायदा? तो विपक्ष में जाने से नीतीश कुमार को डायरेक्ट तो कोई फायदा दिख नहीं रहा, मोदी से लड़ने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन मोदी के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने के कई फायदे दिख रहे हैं नीतीश कुमार को भी और बिहार को भी। और मोदी भी बगैर नीतीश कुमार के केंद्र की सत्ता में काबिज होने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और बिहार में तो बगैर BJP के सरकार BJP की बन ही नहीं सकती है आज की तारीख में, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। तो नीतीश कुमार के साथ ही BJP ने बिहार में राज किया है, अब तक आगे भी उनके साथ ही कर सकती है। उनके जो वोटर हैं वह भी भाजपा के मानसिकता से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। बिल्कुल, लालू विरोध का जो एक रहा है, देखिए जो पिछले लोकसभा चुनाव में तो NDA के साथ ही थे नीतीश कुमार, और 40 में से 39 सीटें मिली NDA को। नीतीश कुमार के सारे लगभग उम्मीदवार जीते, तो उस समय उनकी जीत में अहम योगदान है, करीब 8 से 10 सीटों पर जीत में अहम योगदान है NDA के वोटर्स का जी। जो BJP के परंपरागत वोटर हैं उनके वोट की वजह से 8-10 ज़्यादा सीटें मिली उनको जी। तो जो सांसद BJP के वोट से जीते हैं उनकी चिंता तो बढ़ी हुई है कि अब तो RJD के साथ है जी। तो नीतीश कुमार के सामने भी इधर संकट है सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है और वाम दल हैं ने उन्हीं सीटों पर दावा कर दिया है जिस पर नीतीश कुमार के सांसद जीते हुए हैं, क्योंकि पहले RJD और
कांग्रेस और वाम दलों के नेता उन्हीं सीटों पर लड़ते रहे हैं चुनाव जी जी, लेकिन अभी तो सिटिंग सांसद हैं जेडीयू के जी, उन्हीं सीटों को मांग रहे हैं, तो टिकट भी कट सकता है। और सीट शेयरिंग कितना कठिन है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माले ने 9 सीटों की मांग कर दी जी, कांग्रेस ने 10, सीपीआई ने 2, सीपीएम ने भी 2, तो 13 सीटों की मांग तो वाम दलों ने कर दी है जी। बचेंगे कितनी सीटें? आरजेडी जेडीयू 16 सीटों पर कम से कम लड़ना चाहता है, नीतीश कुमार अपने सिटिंग सीट नहीं छोड़ना चाहते जी। उनसे कम सीट पर तेजस्वी यादव नहीं लड़ना चाहते हैं, और वाम दल 13 सीट की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 9 सीट से कम पर तैयार नहीं हो रही जी। तो सीटों के शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसता हुआ दिख रहा है महागठबंधन में। एक बड़ी खबर जो आई जैसे रात्रि भोज से G20 समिट से जब नीतीश जी यहाँ आए, बैठक उठक में लग गए हैं, इसका क्या मायने, मतलब कहा? देखिए, नीतीश कुमार G20 की बैठक के बाद पटना लौट राय विचार कर रहे हैं 24 की तैयारी के लिए। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, मीटिंग अच्छा, सकारात्मक, खुश भी नजर आए। तो जीतन राम मांझी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो नीतीश पीएम का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, उनके साथ 4 घंटा रहे और नीतीश कुमार को इतना भाव दिया पीएम मोदी ने, तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, मांझी संकेत दे रहे हैं। सुशील मोदी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन से अलग हटकर देश हित को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने अच्छा फैसला लिया। एक और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब नीतीश कुमार ने इसे साल दो साल पहले भी कहा था, तो उस बात से भी लगता है सहमति वहाँ पर। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर तो नीतीश कुमार सहमत दिखे ही हैं जी, अभी भी दिख रहे हैं जी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो सकता है जी। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो अभी इस सरकार का तो टर्म अभी बाकी है ना, डेढ़ साल बाकी है, तो हो सकता है कि एक्सटेंशन मिल जाए 5 साल का जी, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रह जाए, क्योंकि जब चुनाव होगा महागठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे तो 2025 में तो उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी, तो नीतीश कुमार को न पीएम पद के दावेदार बने, न उम्मीदवार बने, न संयोजक बने, और 25 के बाद सीएम भी नहीं रहे जी। लेकिन बीजेपी के साथ आने पर ये तो फायदा है ना, सब कुछ केंद्रों में रह सकते हैं, अगले 5 साल भी रह सकते सीएम रह सकते हैं, 5 साल तक के लिए बीजेपी सीएम बना सकते हैं। मगर एक मोदी जी के नेता आए थे रामदास अठावले, जो महाराष्ट्र के आए थे अठावले, तो वो तारीफ किए थे नीतीश जी का कि वो हमारे पुराने साथी रहे, तो यहीं पर विद्रोह हो गया था कि ये कौन होते हैं हमें बोलने वाले, भाजपा के नेताओं ने विद्रोह, बिहार भाजपा केंद्रीय मंत्री ने उनकी बहुत तारीफ की थी और कहा था कि साथ पहले से बिहार बदला हुआ, तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन स्थानीय नेताओं की क्या हैसियत है बीजेपी जी? बीजेपी में तो डिसीजन ऊपर से होता है, मोदी शाह फैसला लेते हैं ना जी। जब मोदी इतना भाव दे रहे हैं नीतीश कुमार को, तो स्थानीय नेताओं के विरोध का कोई मतलब नहीं है। कल नीतीश कुमार साथ आएंगे और बीजेपी के तमाम प्रदेश के नेता उनके पीछे नजर आएंगे, आगे पीछे करने लगेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को इग्नोर करना बहुत आसान काम नहीं है जी। उनका एक सॉलिड वोट बैंक है जी। लोग कहते हैं कि जिस बिरादरी से आते हैं उसके 2% वोट ही हैं, लेकिन उन्होंने एक अपनी बिरादरी के साथ साथ बिहार में एक अलग अपनी पहचान बनाई है, एक अलग वोट समीकरण बनाया है, वोट बैंक बनाया है, और अपनी पार्टी का एक संगठनिक ढांचा भी खींचा है। बिल्कुल, 15% 10 तो पक्का ये माना जाए, 10-11% तो उनका फिक्स वोट है ही, और ये वोट काफी है किसी के लिए सरकार बनाने के लिए। मोदी लहर में भी 15% मत था जब ये 2 सीटें लाए थे। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखते हैं, इसमें सबकी कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी की प्राथमिकता केंद्र की सरकार को बनाना है, बिहार प्राथमिकता में है नहीं जी। मोदी किसी तरह से चाहेंगे नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले साथ आ जाए जी, तो केंद्र में सरकार बनाना, तो बिहार में नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार करेगी भाजपा, मतलब ये बड़ा, अरे जब मोदी ही स्वीकार करेंगे तो सब कर लेंगे, प्रदेश के नेता कैसे विरोध कर पाएंगे, जो बीजेपी में कोई स्कोप नहीं है विरोध का। अच्छा, अब देखिए सुशील मोदी तारीख कर रहे हैं, कल बदले कर रहे हैं कि ठीक है जो गेस्टर में उनका चेंज आया है अच्छा बात है, उन्होंने देश हित में जाकर बैठक में भाग लिया, पीएम से मिले अच्छी बात है, माझी जो एनडीए के पहले घटक रहे हैं वो भी तो पहले आरजेडी के साथ जी, 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 वो भी तारीफ कर रहे हैं और वो संभावना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर का बयान आ गया जी, कि जो अभी महागठबंधन दिख रहा है चुनाव आते आते उसके स्वरूप में बदलाव आ जाएगा, मतलब उनका इशारा है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। एक और नेता पर बात करेंगे, नीतीश कुमार के बगल में खड़ा थे झारखंड के हेमंत सोरेन जी, उनका भी नाम जिस प्रकार से, मतलब कहा जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ा उनका घुलना मिलना, सहजता मंत्रियों का, और देखिए कई ऐसे G20 में कई जगह हुआ, कई ऐसे नेता हैं जो मोदी विरोध की शुरुआत कर चुके हैं जी। KCR ने सबसे पहले
विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश की थी जी, पटना में भी आए थे, बैठक की थी जी। उनकी बेटी फंसी शराब घोटाले में, उसके बाद देखिए बीजेपी के पीछे घूम रहे हैं जी। हेमंत सोरेन के पीछे भी ईडी लगी हुई है जी, वो भी बीजेपी से लड़ाई नहीं मोल सकते जी। तो हेमंत सोरेन भी दिखे इस बैठक में, और नीतीश कुमार ने बाइडेन से जो मुलाकात कराई, परिचय कराया, उसमें नीतीश कुमार के अलावा नीतीश कुमार की जो परिचय कराया जी, पीएम मोदी ने बाइडेन से, उनके साथ हेमंत सोरेन भी थे जी। तो दोनों ही सीएम को ज्यादा भाव देते हुए दिखे मोदी। तो बिहार झारखंड दोनों कवर कर रहे हैं, बिहार झारखंड टारगेट पर है मोदी का जी। लेकिन अब क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है जी। ये तो फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे, और अब पार्टी की बैठक भी शुरू कर दी है नीतीश कुमार ने दिल्ली से वापस लौटने के साथ ही, इसीलिए खबरें तेज है। नीतीश कुमार जब भी इस तरह की लगातार पार्टी की बैठकें करते हैं तो कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, सब डर जाता है बिहार में। बिल्कुल, तो लगातार पिछले एक महीने से वो बैठकें कर रहे हैं जी। पिछले महीने भी बैठक की थी जी, पार्टी के सांसदों से मिले थे जी, पार्टी के फिर विधायकों से मिले थे जी। अब प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। आज से बैठक शुरू हो गई है जी, कल तक बैठक चलेगी जी, और इस बैठक में वो फीडबैक लेंगे कि अब महागठबंधन के साथ हैं तो उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और जनता क्या सोच रही है जी, उनके जो पार्टी के सांसद हैं नेता हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं जी। ज़्यादा कंफर्टेबल लोग एनडीए के साथ थे या हैं या महागठबंधन के साथ, तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो नेता हैं जो अभी चुनाव जीते हैं एनडीए के साथ रहते हुए जी, वो तो एनडीए के साथ ही जाना चाहेंगे जी। जो महागठबंधन जीते हुए हैं, अब जो जीते हुए चुनाव जिनको जिताने में एनडीए का वोट बैंक का अहम रोल रहा है, वो तो इस बैठक में भी नीतीश कुमार के सामने बात अपनी रखेंगे जी, कि ज़्यादा सहज होगा अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनकी लड़ाई भी बहुत आसान हो जाएगी जी। बीजेपी की तो लड़ाई आसान होगी, 400 सीटें और महागठबंधन इंडिया का संघर्ष बहुत कड़ा हो जाएगा जी, मुकाबला चुनौती बढ़ जाए। या कहें कि बहुत नीतीश जब निकलेंगे तो और भी जो नेता को जुड़ जोड़ रहे थे, केजरीवाल, ममता, अखिलेश, सब बिखर सकते हैं इसका भी। बिल्कुल, अब केजरीवाल क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, कह पाना बड़ा मुश्किल है जी। वो तो अलग से शुरू से हिला अलापते रहे हैं जी। मुंबई की बैठक में ममता छोड़कर चली गई, आपको पता ही है जी। पटना में केजरीवाल छोड़कर चले गए थे जी, बेंगलोर में नीतीश और लालू छोड़कर चले। हाँ बिल्कुल, तो लगातार कोई ना कोई नेता बगावती रुख दिखा रहा है जी। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, वो क्या सोचते हैं, कब क्या फैसला लेंगे, उनके दाएं बाएं रहने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता है, फिर आपको हमको कैसे पता चलेगा। लेकिन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी ने ये संदेश दे दिया है कि भाई आप आना चाहें तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आप आ सकते हैं, स्वीकार कर लेंगे, आपको उतना ही सम्मान और मान मिलेगा जितना पहले मिलता था, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ डेढ़ दशक से ज़्यादा दिनों तक सरकार चलाते रहे जी, और अभी भी वो चाहते हैं कि अपनी ही शर्तों पर सरकार चलाएं जी। तो अपनी शर्तों पर ज़्यादा दिन तक सरकार महागठबंधन के साथ वो नहीं चला सकते, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ नहीं चला सकते, बीजेपी के साथ आकर एक टर्म और वो सरकार में बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, जो चाहेंगे बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार इस बैठक के बाद क्या फैसला लेंगे ये तो आगे देखेंगे, फैसला लेंगे तभी पता चलेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मुलाकात को लेकर जो G20 में रात्रि भोज हुई और उसके बाद बैठक हो रही, उन तमाम बातों को समझने का प्रयास किया। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी थे, बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।